मैंने सीखना मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक की ऐसी शाखा हमारे भारतवर्ष में अभी हो चुकी है कि जो सीखते हैं पर वो करते नहीं है और बिल्कुल यही ये व्यथा है इस व्यथा को देखते हैं देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है इसकी जो सदस्य संख्या है विश्व में जितने भी संगठन है उनसे बढ़ोतर के कंपैरिजन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन की सदस्य संख्या सबसे बड़ी संख्या है इसलिए अगर यह विद्यार्थी परिषद अगर कुछ कुछ बात ध्यान देती है तो वो हमेशा करके रहती है और इसी दृष्टि से विद्यार्थी परिषद के सारे अधिकारियों को विद्यार्थियों को ऐसा लगा कि ये जो हमारी धरोहर है आयुर्वेद का हमारी धरोहर है यहाँ हम हमेशा कहते हैं कि भारत ने विश्व को क्या दिया क्या दे सकता है आपको शायद पता होगा कि आज भी भारत में सबसे भारत के सबसे जो अधिक जो जो विषय है जो बाहर गया है वो तो कौन सा गया है तो हिंदुस्तानी संगीत विश्व के किसी भी भाग में आप जाइए हिंदुस्तानी संगीत जो है वो बहुत प्रसिद्ध है मालूम है सबको लोग वो हिंदुस्तानी संगीत सीखने के लिए भारत में आते हैं उसका स्वागत करते हैं वैसे ही भारतवर्ष में दूसरी अगर कोई चीज होगी जो लोगों को दे रहा है कि जो हमारे ट्रेडिशन है जो धरोहर है वो है आयुर्वेद परंतु ये आयुर्वेद के इतिहास इतना बड़ा परंपरा अच्छे होकर भी दुर्भाग्यवश कि सीखने के बावजूद भी उसकी प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर पाए अभी संतोष मित्र संतोष ने बताया कि करीब करीब 10 से 12 हजार विद्यार्थी दर हर साल हम निर्माण करते हैं तो उसमें से 100 विद्यार्थी ऐसे नहीं होते हैं कि आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते तो इस कथा को देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने निर्णय लिया कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए उद्युक्त करने के लिए कुछ करना चाहिए इसी सोच के साथ जिज्ञासा स्थापित किया इस शाखा के विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई है और इसी के जिज्ञासा का अर्थ हमने यही
समझे कि जो हमको मालूम है, हमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो मालूम है उसके आधार पर ही उसको अध्यापक को समझाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो समझ नहीं पाए चाहिए ना सर, वो अगर जल्दी मिले तो बहुत अच्छा है।
जल्दी मिलते किसी को नहीं है, कोई भी कहेगा कि जल्दी लिखिए। इंजीनियरिंग में लोग आजकल कम हो रहे हैं, मगर जाते थे पहले। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग का विद्यार्थी उसके फाइनल ईयर में जब होता है तभी कैंपस इंटरव्यू होकर उसको पैकेज मिलता है, इसलिए इंजीनियरिंग का विद्यार्थी जाता है। उसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, पैसे की चाह रखना ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मगर वो आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए मेहनत करिए, उसके ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान अच्छा है, आपके पास कोई आर्ट है, स्किल है, तो ही आपको पैसा मिलता है। लोगों को ठगा कर पैसा अर्जन मत करने की चाह बिल्कुल गलत है, मगर सही तरीका अपना कर अगर जल्दी पैसा मिलता है तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं। इसलिए आप लोगों की अगर चाह होगी कि हमें पैसा जल्दी मिलना चाहिए, कोई गलत बात नहीं, और उसके लिए हमें आप हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें आप में विश्वास पैदा करना चाहिए कि भाई देखिए आयुर्वेद से भी जल्दी पैसा मिल सकता है। और इसीलिए हम लोग आपके सामने ऐसे लोग जान आ रहे हैं कि जो आयुर्वेद की दृष्टि से उन्होंने पैसा कमाया है, इज्जत कमाई है, समाज में उनको स्टेटस मिला है, ऐसे लोग हम आपके सामने कम होंगे। Yeah.
lifestyle disorders. किसी में किसी मीडिया में पूछा था कि भाई lifestyle आप जो बोल रहे हैं lifestyle जो लोग कर सकते हैं तो क्या? तो हमें उसमें भी रास्ता देना है. ऐसे नहीं है कि देखिए आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता है कि जो अगर किसी कोई व्यक्ति अगर नाइट ड्यूटी कर रहा है तो उसको हम कहेंगे ब्रह्म मरुति तीर्थे, वो तो कर नहीं पाएगा. अरे भाई रात को काम करेगा तो उसको भी आयुर्वेद नहीं है क्या? क्या उस समय नाइट ड्यूटी करने वाले लोग नहीं थे एंशिएंट इंडिया में? बिल्कुल थे, क्यों नहीं? उस समय में ऑड आवर्स में प्रैक्टिस करने वाले व्यवसाय करने वाले लोग थे तो उनके लिए आयुर्वेद नहीं था? ऐसे नहीं. तो उसके लिए भी उसके जीवन पद्धति से सोच कर किस प्रकार की उसकी आवश्यकता है बिल्कुल हम तो बता सकते हैं. उस पर भी इस प्रकार से मुझे करना है उसके लिए भी आयुर्वेद है. देखिए आयुर्वेद कोई बहुत सारे लोग 5000 साल पुराना साइंस है. ये आज के विज्ञान में कैसे शुरू होगा आज के युग में बिल्कुल शुरू नहीं होगा. ये बात गलत है क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत है वो सर्वकालिक सिद्धांत है. वो बेसिक आज भी कोई सिद्धांत जो है वो आयुर्वेद का गलत है ऐसा कोई साबित नहीं कर सकता है. हो सकता है कि उसको हम बिल्कुल ऐसे लैबोरेटरी में सिद्ध नहीं कर, मगर ये चीज जरूरी नहीं कि हर बार लैबोरेटरी में ही सिद्ध की जा सके. बहुत सारी बातें जो है वो इनडायरेक्ट परसेप्शन से सिद्ध की जा सकती है. अभी उन्होंने कहा कि मानसिक क्या मन आप किसी लैबोरेटरी में दिखा सकते हैं क्या? मन को मानता है ना आधुनिक विज्ञान मानता है ना मन को, तो दिखाओ कहाँ है मैं मन भाई, कहाँ है? ब्रेन में है, हृदय में है, पेट में है, कहाँ है मन? दिखा सकते हैं क्या? फिर भी आप मानते हैं ना मानसिक क्रियाओं को मानते हैं ना, कैसे मानते हैं फिर? उसकी पूरी रैशनैलिटी. तो इसी प्रकार के आयुर्वेद के बहुत सारे सारे सिद्धांत ऐसे हैं कि जो सर्वकालिक सिद्धांत है आयुर्वेद शास्त्रों का है इसका मतलब ठीक से समझना चाहिए. क्या इतने सारे पुराने आज पॉसिबल है क्या? कोई भी आप बताते हैं कोई भी दवाई मिलती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है. सिर्फ कंटेक्स्ट आपको समझना चाहिए. मैं जो बता रहा हूँ आपको ये सिद्धांत मैं अभी हाल ही में 15 दिन पहले मैं कजाकिस्तान अलमाटी नाम का जो शहर है कजाकिस्तान का, जहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1978 में प्राइमरी हेल्थ सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ पर एक डिक्लेरेशन पास किया था. अलमाटी पर ही बहुत पुराने यूनिवर्सल क्यों आया था मैं आप बताएं? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं फॉर्म में जाता हूँ, ये बताने के लिए बोल रहा हूँ. आपको ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि मैं गया था वहाँ पर हमने 10 दिन का एक कोर्स कौन सा कोर्स दिया? विषय था लाइफस्टाइल मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेद. विषय था 30 आवर्स के दो सेशन हमने दिए. एक सेशन था जो कॉमन मैन के लिए कॉमन पीपल के लिए था और दूसरा सेशन था जो इंटेलेक्चुअल्स के था जिसमें कई डॉक्टर्स थे वो आयुर्वेद सीखने के लिए आए थे हमारे पास. उनको मालूम है कि भाई ये मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वो चाहते थे वेल क्वालिफाइड पीपल. वो उनकी फीस जो भी कुछ हुई थी वो भरकर पैसा लेकर आए थे, फ्री में नहीं आए थे. हमने सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक उनके लेक्चर्स किए. दे वर ऑल इंटरेस्टेड. और अब समय नहीं है जो विवेक टॉक्स में मैं दिखाना चाहता था आपको कि मेरे पास उनके फीडबैक्स हैं, डॉक्टर्स के भी फीडबैक्स हैं और गवर्नमेंट वो कहते हैं उसमें एक में तो कहा यहाँ तक कहा है इफ देयर इज नो इंडिया नो प्लैनेट. समझते हैं जब पहले उन्होंने हमने उनका ब्रेक शुरू किया
एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिक, इसके साइंटिफिक आप बताइए कैसे साइंटिफिक ये उन्होंने कहा था। तो मैं भी लेक्चर था, मैंने मेरा एक लेक्चर था कहीं दो चार दिन बात की आत्मा जिन्होंने लिखा आत्मा और मन पर एक लेक्चर करा था। तो मुझे शंका था मेरे मन में कि भाई ये लोग साइंटिफिक करें, मैं आत्मा और मन में क्या साइंटिफिक बताऊंगी लोगों को। तो मैंने उनको सबको पहले कहा दूसरे दिन लेक्चर था कि भाई कल मेरा प्लान लेक्चर इस पर है आत्मा मन इस पर है, इसमें आप अगर कहेंगे कि मुझे साइंटिफिक एविडेंस दीजिए तो मैं एविडेंस दे नहीं पाऊंगा। हाँ मैं रैशनलिटी पर आपको इस सिद्ध करके सारे बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करके जरूर बताऊंगा। तो अगर चाहते हैं आप ये लेक्चर तो मैं लूंगा, नहीं तो दूसरे किसी और विषय पर। उन्होंने कहा नहीं सर चाहिए आप दीजिए, हमने आपके लेक्चर सुने हैं, ये भी लेक्चर आप पसंद किया दीजिए हम इवन ऑल इंटेलेक्चुअल, ये पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअल से लेक्चर है सेशन। तो देयर आई स्टार्टेड फ्यूचर वीडियो लेक्चर, मैंने 8 से 11 बजे 3 घंटे एक आधे घंटे का 15 मिनट का इंटरवल छोड़कर उनको लेक्चर दिया 3 घंटे। दे वर लिसनिंग वेरी केयरफुली वेरी कॉशियसली और पूरा लेक्चर होने के बाद वो सारे उठकर मेरे सामने आए, मेरे पैर छू उन लोगों ने कह दिया आप बहुत बड़े गुरु हो, हमने भारत में इतना बड़ा विज्ञान आपको दिया है। नरेंद्र मोदी जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमको जॉब दिया, मगर हम आपको उनको आभार करते हैं कि आप हमको आयुर्वेद भी दीजिए। अध्यापक को कि हमको नहीं समझ
क्या, हॉस्पिटल में ये है क्या, आप ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, टूरिज्म कर सकते हैं क्या। देखिए आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे आज मालूम नहीं है। आज ये मत सोचिए, आज केवल एक ही ऑब्जेक्ट आपके सामने रखिए, आयुर्वेद मुझे ठीक से पढ़ना है, करेक्ट पढ़ना है, समझना है, आयुर्वेद को समझना है। धीरे धीरे आपकी ब्रांड डेवलप हो जाएगी। मैं आपको बता दूंगा अनुभव के बाद कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक पढ़ते हैं और दूसरा कुछ करते हैं, ऐसा होते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है बहुत से बार कि कोई आयुर्वेद का व्यक्ति या कोई व्यक्ति होता है, डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस होता है, एमबीए होता है, और बाद में आई एसटी एग्जाम लेकर कोई सेकंडरी होती है, और उसको बराबर हम माना बनाकर टारगेट बनाते हैं। बहुत मेरा बीएमएस का एक विद्यार्थी बड़े मुश्किल से पास हुआ, नालंदा की बात है, नालंदा में था, तीन चार बार फेल होकर कैसे तो लोग पास करें, क्योंकि उसको पढ़ता ही नहीं था। उसके जो पिताजी थे वो साइंस के प्रोफेसर थे, उनको मैंने कई बार समझाया कि भाई वो आते थे सर क्या करते हैं, कहा तो भाई इसको इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्यों आप इसको करें, उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसको भेज दीजिए ना, अगर नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, दूसरे ब्रांच में जा दीजिए उसको, क्यों उसको कंपल्सर कर रहे हैं। मैंने वो पिताजी की वजह से, और हमारे वो तो पास वगैरह नहीं था, मगर हमारे यहाँ आयुर्वेद के बहुत सारे अध्यापक वो बहुत दयालु हैं, आप कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पास होना बहुत मुश्किल नहीं है यार। अरे उनसे कहते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास द मैट्रिक, देन लिटिल बिट लेस डिफिकल्ट देन कैन दिस 12th पास पासिंग, उससे आसान है बीएमएस पास करना, और उससे आसान है एमडी करना, और सबसे आसान है पीएचडी। Yeah, मित्रों मेरे 10-15 मिनट कहते कहते बहुत बात की आपसे, ये अनलिमिटेड।